हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस आज है सर, इस शुभ अवसर पे देशवासियों के लिए क्या संदेश और इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुआ। देश गुलामियों अंग्रेज की गुलामी में बहुत दिन से जकड़ा हुआ था, और जो हमारे पूर्वज लोग थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल से लेके जितने भी लोग उस समय में थे, सरदार भगत सिंह थे और लोग थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया, तो इन लोगों के काफ़ी प्रयास से, बाबा सुभाष चंद्र बोस जी के काफ़ी प्रयास से अंग्रेजों से मुक्ति मिली इस देश को। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया संविधान भी दिया देश को, अंग्रेज को दिया कि देखो मेरे देश का ये संविधान है। तो आज 75वां वर्ष हुआ, और अभी मैं लाल किला से आ रहा हूँ। लाल किला में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ, और बहुत ही एक एक पॉइंट पर उन्होंने अपनी बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि 100 वर्ष जब पूरा होगा, चाहे जो भी प्रधानमंत्री आवें, जो भी झंडा फहरावेंगे, वो अपने आप को गौरव महसूस करेंगे, और ये देश 100 वर्ष के अंतराल में देश काफ़ी विश्व के मानचित्र पर भारत जाएगा। तो आज जो देश आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसके माध्यम से मैं देश की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, और बहुत बहुत मैं देश की जनता को हार्दिक दिल से शुभकामना व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, देश तरक्की पर जाए। अब तक का सबसे लंबा भाषण था पीएम का, हर अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी, तो माना जाए कि ऐतिहासिक भाषण। हाँ, ऐतिहासिक भाषण था, उन्होंने लगभग 1.5 घंटा उनका स्पीच हुआ है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी एक भी पॉइंट को उन्होंने छोड़ा नहीं। देश में जो ज्वलंत उदाहरण है, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊंची जाति के गरीब लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, मैंने जो भी पॉइंट था, चाहे स्टेट का मामला है, धारा 370 का मामला है, त्रिपुरा का मामला है, मेघालय का मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला था, उन्होंने एक एक बारीकी से, जैसे प्रोफेसर लोग, टीचर लोग पढ़ाता है क्लास में, उसी ढंग से आज उन्होंने पूरे देश की जनता के नाम से संबोधन किया। और बहुत ही मेरे से व्यक्ति को तो बहुत ही अच्छा लगा कि देश के 75वां वर्ष में देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला, तेजस्वी प्रधानमंत्री मिला, कि मैं समझता हूँ कि आज़ादी का तो ये 75 वर्ष गांठ तो है ही, और देश में 75 वर्ष के अंतराल में पहली बार देश में इतना तेज तरार और विश्व स्तर का नेता इस देश का प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित। आखिरी सवाल देखिए सर, 75 साल तो आज़ादी के हो गए, लेकिन कई चुनौतियों का सामना आज भी देश कर रहा है, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, तो इस सबसे मुक्त भारत कब तक बनेगा? देखिए, इतना बड़ा देश है, 1,35,00,000,000 की आबादी है, तो 1,35,00,000,000 की आबादी को चुटकी बजाते अब समस्या का समाधान नहीं कर सकते, धीरे धीरे उसका समाधान होगा। आज से 25-30 वर्ष पीछे चले जाइए तो बेरोजगारी अधिक थी, भूखमरी, लोग भूखे, अनाज के बिना लोग भूखे मर जाता था, लेकिन आज ये तो निश्चित रूप से सरकार दावा कर रही है कि अनाज के बिना कोई भूखे नहीं मर रहा। शिक्षा का जो स्तर है, पहले जो आज से 25-30 वर्ष पहले जो शिक्षा का स्तर था, उसमें काफ़ी सुधार हुआ, घर घर में शौचालय बना, घर घर में नल जल की व्यवस्था हुई। आज पहले औरतें जो हमारी जैसे खाना बनाती थी तो उसका आँख खराब हो जाता था, आज प्रत्येक घर में गैस चूल्हा का हो गया, तो देश काफ़ी तरक्की किया है। इसी बात नहीं है कि इतना बड़ा देश है, 1,35,00,000,000 की आबादी है, तो कुछ न कुछ तो घटनाएं घटेगी, कुछ न कुछ समस्या होगा, उसका 100% समाधान संभव नहीं है। फिर भी यदि आप तुलनात्मक तुलना करेंगे तो हमारा देश काफ़ी तरक्की किया है, जो गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे उसके बनिस्बत आज देश काफ़ी आज़ाद है। देश के जो हमारा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे पक्षी आज़ाद होता है, आसमान में उड़ता है, उसी तरह देश का नागरिक, चाहे किसी भी जात का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, आज पूरा देश का नागरिक स्वतंत्र है और आज़ाद है। धन्यवाद। तो ये थे बातचीत करते हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी, दिल्ली से ETV भारत। बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।